स्वागत है आपका अलाइव 24 में। सत्य शिखर पार्टी की नई कार्यकारिणी गठन सभा का आयोजन। 2019 चुनाव को लेकर राजनीति पार्टियों में जहां क्रियाशीलता बढ़ी है, वहीं इस कड़ी में इसी चुनाव में बेहतर चुनावी माहौल को बनाने और बेहतर प्रदर्शन करने के उद्देश्य से खुशियों के पर दिवाली में सत्य शिखर पार्टी ने लखनऊ स्थित अपने ही कार्यालय पर नई कार्यकारिणी गठन सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नरेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री पवन कुमार श्रीवास्तव, कोषा अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव को पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पद दिया गया। तो इसी मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आन शिखर श्रीवास्तव सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो सबकी मौजूदगी में आन शिखर श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। दिवाली के शुभ अवसर पर समस्त भारतवासियों को पार्टी की ओर से, सत्य शिखर पार्टी की ओर से शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारी पार्टी का कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसके लिए हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, वो आपको इसके आगे की जानकारी देंगे। हमारा मुख्य मुद्दा इसके बाद है बिना आरक्षण सभी को योगदान साथ रोजगार, अस्थाई रोजगार देना। अस्थाई रोजगार का मौलिक अधिकार हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो देगी, जो है अस्थाई रोजगार का मौलिक अधिकार देगी हमारी पार्टी, जो है पार्टी की सरकार जो है बनेगी। चुनाव में हम लोग या लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर लगभग तैयारी कर रहे हैं अपने प्रत्याशी रहने की, जो है संविधान के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार जो मानते हों और हमारे एजेंडे को लागू करना चाहते हों, उनको हम जो है पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं आज की सभा में मीडिया से बात करते हुए मौलिक अधिकारों की बात करते हुए कहा कि संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। इसी के चर्चा में फिर से गरमाए राम मंदिर निर्माण को सिर्फ बीजेपी सरकार का चुनावी वोट बैंक बताया, तो वहीं देशवासियों को पार्टी की तरफ से दीपावली पर्व की बधाई भी दी। ये थी हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव 24। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।